तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की ये स्टेटमेंट है जो कि हम प्रूफ के बाद पढ़ेंगे कि क्या है स्टेटमेंट. मैं आपको वैसे ही बताता हूँ ट्राइंगल लॉ है क्या. ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में आप किन्हीं भी दो वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं. आप किन्हीं भी दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएं. कैसे? ट्राइंगल लॉ ये कहता है कि मान लो आपने ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड करना है और इन दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? थीटा. ठीक है, तो दो वेक्टर की डायरेक्शन में एंगल क्या है? थीटा. इनको ऐड करना है. रूल नंबर वन, जब भी आप दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो जो नया आंसर आएगा वो भी वेक्टर ही आएगा. वेक्टर को ऐड करके वेक्टर आएगा. अब रूल ये कहता है, नाम से पता लग रहा है ये ट्राइंगल लॉ है तो ट्राइंगल तो बनेगा. तो कई लोग कहते हैं ऐसा करो, दो ट्राइंगल बनाना है ना, एक वेक्टर ये रहा एक वेक्टर ये रहा, ये आंसर है ना. ऐसे नहीं, अपनी मनमर्जी से एंगल थोड़ा खींचने हैं, ट्राइंगल थोड़ा बनाना है. ट्राइंगल बनाने के लिए एक रूल है, आप किन्हीं भी दो वेक्टर जिनको ऐड करना चाहते हैं उनको आप साइड ऑफ ट्राइंगल बनाएं, लेकिन टेकन इन सेम ऑर्डर. टेकन इन सेम ऑर्डर लिखा हुआ है ऊपर, टेकन इन सेम ऑर्डर. अब ये सेम ऑर्डर क्या होता है? सेम ऑर्डर ये होता है कि अगर मान लो ये ए वेक्टर है और इमीडिएटली इसके आगे मैं बी वेक्टर लगा दूं, जहां ए वेक्टर खत्म हो रहा है वहां बी वेक्टर स्टार्ट हो रहा है, इसे बोलते हैं टेकन इन सेम ऑर्डर. जैसे एक और वेक्टर है सी वेक्टर, दीज थ्री वेक्टर्स आर टेकन इन सेम ऑर्डर. और अगर मैं उल्टा बना दूं, दिस इज नॉट सेम ऑर्डर, ये सेम ऑर्डर में नहीं है, ये ऑपोजिट ऑर्डर है. ये क्लोजिंग साइड है, ये ऑपोजिट ऑर्डर है, ये सेम ऑर्डर नहीं है. ये तीन सेम ऑर्डर है, ये ऑपोजिट ऑर्डर है. क्लियर है? तो वो ये कह रहे हैं कि अगर आप दो वेक्टर को ऐड करना चाहते हैं तो आप इनको साइड ऑफ ट्राइंगल बनाएं टेकन इन सेम ऑर्डर. ये सेम ऑर्डर बिल्कुल भी नहीं है. अब ये सेम ऑर्डर बनाने के लिए एक रूल को समझें. अगर मान लो मैंने आपको ये कहा कि एक वेलोसिटी वेक्टर v1 वेक्टर है जिसकी वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड है अलॉन्ग नॉर्थ, मैं इस वेक्टर को यहां ना बनाते हुए यहां भी बना सकता हूं. इसकी वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड है अलॉन्ग नॉर्थ, मैं यहां भी बना सकता हूं v1 वेक्टर को 10 मीटर पर सेकेंड है अलॉन्ग नॉर्थ. ये चक्कर क्या है, मैं चेंज क्यों कर रहा हूं? मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं आप एक वेक्टर को जहां मर्जी बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस उसकी वैल्यू और उसकी डायरेक्शन को चेंज नहीं करना. आपने वैल्यू नहीं चेंज करनी और डायरेक्शन चेंज नहीं करनी, चाहे वेक्टर को यहां से यहां बना लो, यहां से यहां बना लो, ठीक चलेगा. अब जैसे मुझे ये बात पता लगी कि मैं इसे शिफ्ट कर सकता हूं, तो मैंने इस वेक्टर को उठा के यहां रख दिया. ये देखो, ये यहां पे रख दिया. क्यों? क्योंकि रूल ये था दो वेक्टर जिनको ऐड करना है मस्ट बी इन सेम ऑर्डर, और मैं इसकी कॉपी यहां बना सकता हूं क्योंकि ना मैंने इसकी डायरेक्शन चेंज की, एंगल भी सेम रखा और मैग्नीट्यूड भी सेम है. तो मैंने दो साइड ऑफ ट्राइंगल बना दिया. अब जो थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल बनेगा इसमें, वो थर्ड साइड मस्ट बी टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर. ये थर्ड साइड है वो ऑपोजिट ऑर्डर में ही होना चाहिए. तो जो नया वेक्टर आएगा आर वेक्टर, इसको बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर, ये आपको देगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर. ये आपको क्या देगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, वेक्टर एडिशन करके आंसर देगा. लेकिन दिस वेक्टर मस्ट बी टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर एंड मस्ट बी अ क्लोजिंग साइड ऑफ अ ट्राइंगल. ये से क्या कर रहा है? दो वेक्टर को क्लोज कर रहा है, बंद कर रहा है. तो क्लोजिंग साइड ऑफ ट्राइंगल है टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर. तो रूल ये कहते हैं कि आपने जिन दो वेक्टर्स को ऐड करना है उनको सेम ऑर्डर में लें, तीसरा वेक्टर क्लोजिंग ऑर्डर लें, तीसरा वेक्टर रिजल्टेंट बनेगा ए वेक्टर का और बी वेक्टर का. कोई डाउट इसमें? ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ये रूल, ये ट्राइंगल लॉ कह रहा है, मतलब जिसने बनाया उसने हमें बताया, मैं नहीं बना रहा, उसने कहा मेरा रूल फॉलो करो आपका आंसर आ जाएगा. तो मैं रूल फॉलो करता जा रहा हूं, तो ये डायग्राम बन गया. अब जब हम बोलते हैं कि मैंने एक ट्राइंगल लिया, मैंने एक वेक्टर को साइड ऑफ ट्राइंगल से रिप्रेजेंट किया, तो मतलब अगर ये ए वेक्टर है तो इसकी जो लंबाई है, लंबाई ट्राइंगल की, वो ए का मैग्नीट्यूड होगा. तो ए का मैग्नीट्यूड क्या है? ए, इसकी लंबाई है. अगर ये बी वेक्टर है तो ये जो लंबाई है, ये लेंथ है, इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? बी से. और अगर ये आर वेक्टर है तो इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? लेंथ आर से. इसका मतलब ये है, साइड ऑफ ट्राइंगल को हमने, जैसे मान लो दो फोर्सेस को ऐड करना है 10 न्यूटन और 15 न्यूटन, तो ये लेंथ 10 बन जाएगी, ये लेंथ 15 बन जाएगी. ऐसे है इसका मतलब, ठीक. तो इसमें ये आपने दो वेक्टर्स ले लिए जैसे मैंने बताया,
एक कंस्ट्रक्शन ड्रॉ कर दें, ये रिकंस्ट्रक्शन, आपको क्या निकालना है, ये लॉ वेक्टर एडिशन का लॉ है। वेक्टर एडिशन का मतलब दो वेक्टर को ऐड करके नया वेक्टर निकालना। हम नया वेक्टर क्या निकालना चाहते हैं, आर वेक्टर। आर वेक्टर निकालने का मतलब दो चीज़ें निकालना, आर की वैल्यू निकालना और आर की डायरेक्शन भी निकालना। तो वैल्यू एंड डायरेक्शन दोनों निकालना। तो अगर मैं आर की वैल्यू बता दूँ, डायरेक्शन बता दूँ, तो मतलब कंप्लीट आर वेक्टर आपको मैंने बता दिया। इसको दो फेज में करेंगे। पहले हम निकालेंगे सिर्फ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड के लिए एक काम करेंगे, ये कंस्ट्रक्शन है यहाँ पे। मैग्नीट्यूड में आर का मैग्नीट्यूड या आर वेक्टर का मॉड हम पाइथागोरस लगाएंगे। कैसे, ये एक ट्राइंगल देख रहे हो, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है कंप्लीट। इस राइट एंगल ट्राइंगल में ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस क्यू एन स्क्वायर, देख रहे हो, ओ क्यू स्क्वायर इज क्यू एन स्क्वायर प्लस ओ एन स्क्वायर। क्या ये स्टेप क्लियर है? तो बड़े ट्राइंगल में पाइथागोरस लग गई। नेक्स्ट है, आप इस ओ एन को ब्रेक कर सकते हैं ओ पी प्लस पी एन। तो ओ एन को ब्रेक करेंगे ओ पी प्लस पी एन, तो ओ पी प्लस पी एन का होल स्क्वायर। फिर आप इसे ओपन कर लें, ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी, कोई डाउट इसमें? तो ये आपने ओपन कर लिया। अब लास्ट स्टेप देख लें इसमें। लास्ट स्टेप में अगर ये छोटा राइट एंगल ट्राइंगल ने ये वाला इस ट्राइंगल में पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एन स्क्वायर प्लस पी एन स्क्वायर लगा सकता हूँ पाइथागोरस इसके अंदर। तो देखो क्यू एन स्क्वायर क्यू एन स्क्वायर पी एन स्क्वायर पी एन स्क्वायर की जगह क्या रिप्लेस कर दूंगा, पी क्यू स्क्वायर। इन दोनों की जगह क्या लिख दिया, पी क्यू स्क्वायर। डाउट इसमें? फिर से ये रूल क्लियर है, ओ एन को लिख लिया ओ पी प्लस पी एन क्लियर है, फिर मैंने होल स्क्वायर ओपन कर दिया क्लियर है। तो इस छोटे ट्राइंगल में क्यू एन स्क्वायर प्लस पी एन स्क्वायर इस पी क्यू स्क्वायर पाइथागोरस। तो देखो पी एन स्क्वायर प्लस क्यू एन स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूँ, पी क्यू स्क्वायर। तो इन दोनों की जगह पी क्यू स्क्वायर। तो ये रिप्लेसमेंट कर दी मैंने यहाँ पे, तो ये वैल्यू आ गई। अब लास्ट स्टेप देखो जरा क्या करने वाले हैं। लास्ट स्टेप में हम ऐसा करेंगे, इसमें वैल्यूज पुट करने वाले हैं। देखो कैसे, ओ क्यू, ओ क्यू का मतलब लेंथ कितनी है, आर। तो ओ क्यू की जगह आर स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप पी क्यू, पी क्यू, पी क्यू की जगह मैग्नीट्यूड कितना है, बी। तो पी क्यू की जगह बी स्क्वायर यहां पे आएगा, इसकी जगह बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर। नेक्स्ट है ओ पी, ओ पी, ओ पी की जगह ए स्क्वायर। तो क्या बन रहा है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टू। ओ पी का मतलब ए, और पी एन, देखो ये पी एन, देखो इस ट्राइंगल के अंदर देखो कॉस थीटा किसके इक्वल है, कॉस थीटा पी एन डिवाइडेड बाय दिस साइड, ये साइड कितनी है, बी। तो पी एन की वैल्यू क्या आएगी, बी कॉस थीटा। तो इस पी एन की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं बी कॉस थीटा। चेक करो आंसर क्या आ गया, आर स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर ए बी कॉस थीटा। तो आर का मैग्नीट्यूड क्या आ गया, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। तो ये फॉर्मूला रिजल्टेंट का फॉर्मूला है। मतलब अगर आपको दो फोर्सेस दी जाएं ए एंड बी और उनके बीच में एंगल दिया जाए थीटा, तो रिजल्टेंट जो उनका ऐड करके आएगा वो इसके इक्वल आएगा। ये फॉर्मूला पहले तो याद करना है, ठीक। प्रूफ है, नेक्स्ट टाइम फिर से करवाऊंगा, कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल स्कूल में आएगा, ये स्कूल में लिखने को आएगा, स्टेट एंड प्रूफ पैरेललोग्राम लॉ या ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन 100% आएगा तीन नंबर में, ठीक। तो ये पॉइंट क्लियर है। अब क्योंकि भी आधा एंगल आया आर, आधा क्या निकालना है, डायरेक्शन। अब डायरेक्शन में क्या करेंगे, डायरेक्शन में ये रिजल्टेंट का एंगल लिया जाता है बीटा, तो रिजल्टेंट का एंगल बीटा ले लिया। इस पूरे राइट एंगल ट्राइंगल में टेन ऑफ बीटा की वैल्यू क्या आएगी, दिस क्यू एन डिवाइडेड बाय ओ पी प्लस पी एन। तो टेन ऑफ बीटा विल बी इक्वल टू क्यू एन, क्यू एन की वैल्यू इस ट्राइंगल से क्या आएगी, साइन थीटा इज इक्वल टू क्यू एन डिवाइडेड बाय बी, क्यू एन बाय बी। तो क्यू एन की वैल्यू क्या आएगी, बी साइन थीटा, बी साइन थीटा। ओ पी का मतलब क्या है, ए,
और पी एन का मतलब फिर से निकाल लो, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या, पी एन डिवाइडेड बाय बी, तो पी एन की जगह बी कॉस थीटा। अब सोचो जब एक न्यूमेरिकल आएगा उसमें ए गिवन होगा, बी गिवन होगा, थीटा गिवन होगा, वैल्यूज पुट करके मान लो आंसर वन आता है तो बीटा कितना आएगा 45 डिग्री। तो इस तरीके से आप रिजल्टेंट के डायरेक्शन भी निकाल सकते हो। तो लिखा हुआ ये देखो, ये रहा। अब इसका पर्पस क्या है ये समझ लो। ये तो फॉर्मूलाज आ गए, प्रूफ तो बहुत ज्योमेट्री वाला प्रूफ है, ट्राइंगल लिए चलो करे चलो ठीक है, प्रैक्टिकल यूज जबरदस्त है इसका। न्यूमेरिकल ऐसे चलेंगे देखो, सेम क्वेश्चन अगर दो फोर्सेज एक्ट कर रही हैं इन सेम डायरेक्शन 10 एंड 20, तो नेट फोर्स क्या आएगी 30। लगा के देखें आर का फॉर्मूला। अब ये फोर्स को मान लो ए, इसको मान लो बी, और बोथ आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन, तो एंगल इनके बीच में क्या है जीरो। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या आएगा, 10 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर 2 इंटू 10 इंटू 20 इंटू कॉस ऑफ जीरो। कॉस जीरो क्या होता है 1, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल, आंसर 30 है। इसका मतलब मेरा फॉर्मूला एब्सोल्युटली करेक्ट है, जो कॉमन सेंस से आंसर आ रहा है वो इससे भी आ रहा है। फिर क्वेश्चन चेंज हो गया, एक 10 एक 20 और इनके बीच में एंगल 180 है। मैथ्स में याद रखना कॉस 180 माइनस 1 है। लगाओ रिजल्टेंट फॉर्मूला, नेट फोर्स क्या आएगी, अंडर रूट ऑफ 20 स्क्वायर 10 का स्क्वायर 2 इंटू 10 इंटू 20 इंटू कॉस ऑफ 180। कॉस 180 माइनस 1 है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, आंसर देखो 10 आ रहा है, जो कॉमन सेंस से बिल्कुल 10 ही आ रहा है। लेकिन ये क्वेश्चन कर नहीं पा रहे थे इस लॉ से पहले, क्या 10 एंड 20 एट एन एंगल ऑफ 30, तो नेट फोर्स क्या आएगी 20 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 20 इंटू 10 इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम इज 30। यहां से आंसर आएगा। अब तुम इसको दो कोई भी फोर्स दे दो और एंगल भी दे दो, मैं एक सेकंड में रिजल्टेंट फोर्स निकाल दूंगा। ये ट्राइंगल लॉ से फॉर्मूला आया। देखने में ट्राइंगल लॉ बड़ा अजीब है लेकिन न्यूमेरिकल करना बड़ा आसान है, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल में डायग्राम बनाने नहीं होते, आर का फॉर्मूला यूज करना होता है, ठीक है। और जाते हुए लास्ट, इफ टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड, ए वेक्टर और बी वेक्टर की बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में बाय टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल टेकन इन सेम ऑर्डर, रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड कंप्लीटली बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर। तो यानी कि सोच के बनाइए डेफिनेशन एकदम, तो समझ में आया। अगली बार फिर से ये करेंगे, एक बार दोबारा करेंगे, फिर सारा दोबारा करवाऊंगा और फिर उसके बाद इसको यूज़ करना सीखेंगे।